इस रेलवे का एप्लीकेशन नहीं होगा रेलवे का टाइम टेबल देखने का, तो 70,000 लेकर एक हमारे मित्र थे गोरखपुर में, मैंने उनके घर जाना था, मैंने कहा कि गूगल वो व्हाट्सएप पे गूगल लोकेशन भेज दो, बोले अब तो हमको नहीं करने आता, मैंने 70,000 का फोन क्यों किया। तो वही है, आपके पास सब कुछ है, 70,000 का फोन है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर वही मैं बता रहा था, वो चीज अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो समाज जो है आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरा ये है कि जो वेबसाइट हमारी नहीं बनेगी, और शैलेंद्र जी ज्यादा उसके बारे में जानते हैं, एक पुरानी वेबसाइट है, अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा उसको और अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत है, और यूजर फ्रेंडली बनाने की जरूरत है, और इंटरेक्टिव और समाज के साथ जुड़े। जो मेट्रोनियल वेबसाइट है आप सब जानते हैं, बहुत ही अच्छा है मेट्रोनियल, महेश जी ने कितना काम हुआ है हम सब आप जानते हैं, हम बहुत उसको पब्लिसाइज नहीं करना चाहते, और बिल्कुल डिग्निटी के साथ और सिक्रेसी के साथ हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं। नियमित रूप से मीटिंग्स होती है, छोटी मीटिंग्स हो, मैं नहीं कहता कि आप एक बार में 25 लोग 50 लोग ही मिलिए, लेकिन 4 और 6 के ग्रुप में, मोहल्ले के ग्रुप में, जैसा कुछ लोग गोमती नगर की तरफ रहते हैं गोमती नगर मिले, कुछ लोग कानपुर मिलते कानपुर मिले, कुछ लोग बारामुखी मिलते बारामुखी मिले, 4 लोग 5 लोग 6 लोग भी मिले, वो एक मोमेंटम देता है, उससे बातचीत आगे बढ़ती है। तो वो जो है मीटिंग्स जो है रेगुलरली होती रहे। दूसरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो जो इनकम टैक्स के एग्जम्पशंस होते हैं, क्योंकि अभी तक आप जानते हैं कि हम लोग पैसे इकट्ठा नहीं करते रहे, जो काम होता है उतना इकट्ठा करके बात पूरी हो जाती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए लंबे समय के लिए कुछ आयोजन करना है, कुछ तैयारी करनी है, तो वो सब एग्जम्पशंस लेने पड़ेंगे। तो अभी शैलेंद्र जी के साथ में इनकम टैक्स ऑफिस गया था 31 तारीख को, और उसके बारे में बात की है, और ये जो 12A और 80G के कुछ एग्जम्पशंस होते हैं, परमिशंस होते हैं, वो सब हम करने के लिए कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से 2-4 महीने में वो भी कर लेंगे। और जो सबसे मैं बार बार कह रहा हूं कि अपना जो सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर को बढ़ाइए, फिजिकल चीजें, फिजिकल ऑफिस, फिजिकल स्कूल, फिजिकल कॉलेज, और समाज का ये और समाज का कम्युनिटी सेंटर, बहुत अच्छी बात, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर यही है प्यार, मोहब्बत, ज्ञान, एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करना, मिलना जुलना, मिलाना जाना गांव में, लोगों से सब जोड़ के रखना, बातचीत करना, क्योंकि जब तक जमीन पे हम लोग नहीं जुड़ेंगे तो ये कोई मतलब नहीं। आपको जाना पड़ेगा, कटघरा जाना पड़ेगा, खेरी कोठा जाना पड़ेगा, पाली जाना पड़ेगा, दुगरा जाना पड़ेगा, अमोड़ा जाना पड़ेगा, राव जाना पड़ेगा, सब जाना पड़ेगा, वहां के लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तो नेटवर्क एक्सपेंशन में करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म हमारे जो लंबे समय के जो हमारा ऑब्जेक्टिव होंगे, एक तो कि वो 25 दिसंबर को जो मीटिंग होगी उस समय हम कुछ मुद्दे तय करेंगे, लेकिन मोटा मोटी देखें तो महिलाओं को और लड़कियों को और नेटवर्क में जोड़ने की जरूरत है, वो ज्यादा संख्या में आए, ज्यादा संख्या में जुड़े, कंट्रीब्यूट करें। लड़कियों की पढ़ाई, लड़कियों को पढ़ाई के लिए क्या करना है वो एक सोचने की बात है, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या हम लड़कियों के लिए कम्युनिटी हॉस्टल गोरखपुर में बना सकते हैं, बनारस बना सकते हैं, जहां भी शहरों में बना सकते हैं वो सोचें, उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो एक सोचने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ही आगे बढ़ता है समाज, एक चीज बता दें, बाकी आप सब कुछ करते रहिए, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो आज के माने कुछ खेती बाड़ी आप जानते हैं खेती बाड़ी कितनी मुश्किल हो गई, खेती बाड़ी से फायदा वायदा तो होता नहीं आज, किसी तरीके से परिवार चल जाता है, सही कह रहे हैं ना, जो लोग खेती बाड़ी थोड़ा 3 तारीख में जुड़े होंगे समझ रहे होंगे बहुत मुश्किल हो गया। आप देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे उदाहरण दूं आपको, 1971 में गेहूं 100 रुपए का 1 क्विंटल मिलता था, 1 रुपया किलो मिलता था, आज की तारीख में गेहूं की कीमत 15 रुपए, 16 रुपए, 14 रुपए किलो है, ठीक है 15 गुना बढ़ी। इसके सामने आप कंज्यूमर आइटम्स देखें, जूता देखें, जूता जो 60 रुपए का मिलता था अब 6,000 रुपए का मिलता है, 100 गुना बढ़ गया, 150 गुना बढ़ गया। उस हिसाब से लड़के को आपको पढ़ाना हो खेती खेती करके तो कितना मुश्किल होता है, आप थोड़ा गेहूं पैदा करिएगा, थोड़ा दाल पैदा करिएगा, लेकिन बच्चे की जो फीस है, एक सेमेस्टर का फीस 50,000, 60,000, 80,000, 1,00,000 रुपए। तो पढ़ाई जो है, तो लड़कियों की पढ़ाई और सबकी पढ़ाई, सबकी पढ़ाई लेकिन खास करके लड़कियों की पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, हॉस्टल कॉलेजेस और एक लाइब्रेरी बनाना, अगर संभव हो तो गोरखपुर में एक फिजिकल ऑफिस बनाना, मैं उसके खिलाफ नहीं, फिजिकल ऑफिस होगा, लोग आएंगे मिलेंगे, थोड़ा वहां से जानकारी मिलती रहेगी, कुछ किताबें पढ़ी रहेंगी, कुछ मैगजीन्स पढ़ी रहेंगी, वो एक चीज है। और कम्युनिटी बेस्ड सोशल डेवलपमेंट मॉडल्स की हम जो है कुछ मॉडल्स, कॉपरेटिव मॉडल्स हैं खेती बाड़ी से जो, मैं उसके बारे में बहुत डिटेल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यंग लोग हैं जो कुछ ऐसा सोचें कि कॉपरेटिव मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, कुछ इस तरह की चीज सोचें
कि क्या हम बना सकते हैं और बना करके क्या इसको एक ऐसे मोड में डालें जो कि इससे समाज का फायदा हो और ये हो कि वो एक मॉडल बन जाए, दूसरे लोग भी रिप्लीकेट करें, दूसरी जातियों के लोग उसको रिप्लीकेट करें। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म उद्देश्य है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा, और मैं बहुत खुशी है और फोरम के मैं ये ट्रस्ट के बिहाफ पे कह रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल बिहाफ पे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो एक सिर्फ एक इसका सदस्य हूँ, ट्रस्ट के उस पर कह रहा हूँ कि जो आंदोलन पैदा हुआ और इस आंदोलन में जो लड़कियों का महिलाओं का जो रोल है वो एक बहुत ही यूनिक चीज है। इस अपॉर्चुनिटी को हम जाने ना दें, इस माहौल को जाने ना दें, इस मोमेंटम को, इस संवेग को जाने ना, इस संवेग को पकड़ के रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो मोमेंटम है ये इतिहास लिखेगा, पूरे समाज का इतिहास लिखेगा। समाज बदलते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि 10 साल 5 साल की बात है, समय आता है कि पूरा इतिहास बदल जाता है, समय चीजें बदलती हैं और बदलने वाले लोग होते हैं, इतिहास में बदलने वाले लोग हैं। सती अबॉलिश की गई थी राममोहन राय और इन लोगों ने किया, तभी बदला था। होता है कुछ लोग होते हैं जो पूरे समाज को बदल देते हैं। तो ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम को हम बना के रखें, प्रेम बना के रखें, एक दूसरे के साथ जुड़ाव बना के रखें, एक बहुत अच्छा भविष्य जो है मुझे दिखता है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। छुट्टी के दिन आप इतने तादाद में लखनऊ में आया, जानता हूं सब लोग काम करते हैं, छुट्टी के दिन एक छुट्टी का दिन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। शैलन जी ने जैसे कहा कि लखनऊ में कुछ सोच रहे हैं कि ऐसे किया जाए, तो मैंने कहा कि कुछ भी करके मैं आऊंगा, और मुझे बहुत खुशी है और मुझे हमेशा खुशी होती है अपने लोगों से जुड़ करके। और शैलन जी ने, गीता सिंह जी ने, महेश जी ने, सबने, एसके सिंह साहब सबने मौका दिया, ऑर्गेनाइज किया, आप सबने ऑर्गेनाइज किया, किसी का व्यक्तिगत वो नहीं है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 25 दिसंबर को हम फिर से मिलेंगे और एक बड़े उत्साह के साथ मिलेंगे, एक बड़ी दृष्टि, बड़े विजन के साथ मिलेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।